हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। तो यार आप सभी लोगों ने भी मेरी तरह लाल सिंह चड्ढा के ट्रेलर को देखा होगा, और कुछ ऐसे भी होंगे जिसको इसका ट्रेलर अच्छा नहीं लगा। कुछ ऐसे भी है जो लाल सिंह चड्ढा मूवी के ट्रेलर को देखकर पसंद भी किए। लाल सिंह चड्ढा 1994 में आई एक हॉलीवुड मूवी फॉरेस्ट गम की ऑफिशियली रीमेक मूवी है। रीमेक का मतलब ये है कि फ्रेम टू फ्रेम एग्जैक्ट आपको वो सारी चीज़ें जो आपने फॉरेस्ट गम मूवी में देखी थी वो सेम टू सेम चीज़ें आपको लाल सिंह चड्ढा मूवी में देखने को मिलेगी। बट दो चीज़ डिफरेंट है। पहली तो वो सिचुएशन जो वहाँ पर हुई थी उस पर्टिकुलर मूवी में, तो सिचुएशन को हमारे इंडिया के हिसाब से बताया गया। और दूसरे, वहाँ पर टॉम हैंक्स ने लीड रोल प्ले किया था और यहाँ पर मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान उस पर्टिकुलर रोल को निभा रहे हैं। बस यही चीज़ आपको डिफरेंस देखने को मिलेगी, बाकी थ्रू आउट द मूवी सिमिलर ही है। लेकिन आजकल ट्विटर पे ट्रेंडिंग चल रहा है बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा, तो इस पर आपका क्या ओपिनियन है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। लेकिन मैं आपको कुछ लोगों का ओपिनियन बताऊंगा जो इस पर्टिकुलर मूवी के सपोर्ट में है और इस पर्टिकुलर मूवी के खिलाफ है। तो सबसे पहले यूज़र है एंग्री बॉट, आमिर खान सेड इंडिया इज इनटॉलरेंट एंड ही वॉन्ट्स टू लीव इंडिया। और एंग्री बॉट यहाँ पर सही है कि यस, आमिर खान ने ये चीज़ बोली थी, लेकिन उन्होंने ये आज नहीं, ये कई साल पहले बोली थी। लेकिन भाई साहब इस बात को लेकर लाल सिंह चड्ढा को बॉयकॉट करना चाह रहे हैं। एक और यूज़र है जिसका नाम है संदीप कुकरेती। अब इन्होंने इंग्लिश में लिखा है, लेकिन मैं आपको इसका हिंदी ट्रांसलेटर बताता हूँ। आमिर खान तुर्कीज फर्स्ट लेडी को मिलने तुर्की गए थे, जबकि तुर्की पर यह इल्ज़ाम है कि वो मुस्लिम यूथ है, जो इंडिया के मुस्लिम यूथ है उसको रेडिकलाइज करते हैं पाकिस्तान की मदद से। और साथ साथ तुर्की पे एक और इल्ज़ाम है कि वो फंडिंग करती एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ को, और साथ साथ वो खुल के सपोर्ट करती पाकिस्तान को कश्मीर के मुद्दे पे। और साथ साथ संदीप का ऐसा मानना है कि खान लोग बहुत बड़े गद्दार भी है और ये बहुत हिपोक्रेट्स भी है और बॉलीवुड गंजेड़ी है। हैशटैग बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा। एली नाम की एक यूज़र है, उसका कहना है कि वेन द सो कॉल्ड बुक लॉन्चर हीरोइन डजेंट वॉन्ट अस टू वॉच हर मूवी, वाई शुड वी गो फीड पुअर किड्स, स्पेंड टाइम विद योर ग्रैंड पेरेंट्स, रीड अ बुक बट स्टॉप वॉचिंग देयर मूवीज एंड स्टॉप डिस्ट्रॉइंग द नेशन, एनसीबी चैलेंज आरसी बेल इन एससी। अब बेसिकली हेली का यह बोलना है कि जब करीना कपूर खान ने पहला एक बार बोला था, जब नेपोटिज्म की बहुत सुशांत सिंह राजपूत के टाइम पे चल रहा था मसला, तो उस टाइम पे करीना कपूर ने ऐसे कहा था कि हमारी मूवी क्यों देख रहे हो आप लोग, हम लोग आपको फोर्स तो नहीं करते देखने के लिए। और वही हेली का ये भी कहना है कि आमिर खान ने बोला था कि जो दूध हम लोग शिवलिंग पे यूज़ करते हैं वो वेस्ट होता है, उसके बदले उसी पैसे से हम लोग गरीब को खाना खिला सकते हैं। तो ये दो रीजंस के वजह से हेली हैशटैग बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा बोल रही है। उसके अलावा धैर्य नाम की ये यूज़र है, इसका कहना है कि प्लीज़ वॉच फॉरेस्ट गम इंस्टेड ऑफ लाल सिंह चड्ढा। फॉरेस्ट गम एक अच्छी मूवी है, आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में आपको अमेजोन प्राइम वीडियोज़ पे देखने को मिल जाएगी, तो इसलिए ओरिजिनल जाके देखो, कॉपी क्यों देखना। तो इस वजह से इसने इस पर्टिकुलर मूवी को बॉयकॉट किया है। लेकिन अब कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि दीपक कॉल, लाल सिंह चड्ढा ट्रेलर फाउंड इट डिसेंट, आमिर खान एक्ट्स लुक लाइक अ कॉम्बो ऑफ हिज पीके एंड धूम 3। और यूजर है जिसका कहना है कि दिस इज हाउ यू डिजाइन एन एपिक प्रोमो ऑफ हैशटैग लाल सिंह चड्ढा, इज सुपर अमेजिंग सिंपल एंड एफेक्टिव। उसके अलावा नाज 48 है जो कि व्हाट अ लवली ट्रेलर आमिर एंड करीना। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस पर्टिकुलर मूवी के सपोर्ट में है, कुछ ऐसे भी जो इसको सीधा सीधा बॉयकॉट कर रहे हैं। लेकिन अगर मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात करूँ तो देखो, ट्रेलर का सीजीआई मुझे बहुत अच्छा लगा, सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी लगी, मतलब जिस तरीके से उन्होंने कलर पैलेट्स को यूज़ किया वो देखकर बहुत अच्छा लगता है। उसके अलावा कोई भी एक ऐसी मूवी जिसको ऑस्कर भी मिल चुका और साथ साथ उस मूवी में एक लेजेंडरी एक्टर टॉम हैंक्स काम कर चुके और वो पर्टिकुलर मूवी पूरे वर्ल्ड में लोगों को इतनी ज़्यादा पसंद आई है, तो उस पर्टिकुलर मूवी का रीमेक बनाना अपने आप में बहुत ही हिम्मत की बात है। और यस, मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने ये करने की कोशिश की है, ये बहुत ही सराहनीय बात है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, क्योंकि मुझे भी नेगेटिव फील हुआ कि भाई आमिर खान ने इस पर्टिकुलर मूवी में जिस तरह से एक्टिंग की है, कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है कि पीके, थ्री इडियट या धूम 3 में जो समर का किरदार था वो उससे मिलती जुलती झलक लगती है। लेकिन लाल सिंह चड्ढा में आमिर खान का जो रोल है वो एक एबनॉर्मल चाइल्ड का है। और अगर आप लोग बॉलीवुड की अगर प्रीवियस मूवीज़ को देखो, तो चाहे माय नेम इज़ खान में शाहरुख खान हो या ट्यूबलाइट में सलमान खान हो, उन्होंने भी एबनॉर्मल चाइल्ड का रोल को कुछ इसी तरह से
प्ले किया, तो इस पर हम लोग आमिर खान को पूरी तरह से क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते, लेकिन यस कहीं ना कहीं हम लोग को ये फील होता है कि आमिर खान ने ओवर एक्टिंग की है इस पर्टिकुलर मूवी में, जो कि उसको नहीं करना चाहिए था। लेकिन अभी भी ये मूवी रिलीज हुई नहीं, तो हम लोग पूरी तरह से ऐसा बोल नहीं सकते कि आमिर खान ने ओवर एक्टिंग की है। जब हम लोग पूरी मूवी देखेंगे तो शायद वो ओवर एक्टिंग नहीं बल्कि हमें गजब की एक्टिंग नजर आए, तो ये भी पॉसिबल है। तो स्टार्टिंग में ही अगर हम लोग अपना ओपिनियन थोप देंगे तो ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। उसके अलावा मूवी के अगर म्यूजिक की बात को, तो यस म्यूजिक ऑडियंस को पसंद आ रहा है और इवन मुझे भी म्यूजिक बहुत अच्छा लगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग भी धोखा मत खा जाना जैसे मैं धोखा खा गया था। स्टार्टिंग में मुझे लगा कि यार ये कोई राजकुमार हिरानी की तो मूवी नहीं है, लेकिन ये राजकुमार हिरानी की मूवी नहीं है, ये अद्वैत चंद्रा की मूवी जिसने आमिर खान और ज़ायरा वसीम के साथ सीक्रेट सुपरस्टार मूवी बनाई थी, तो ये वही डायरेक्टर है। लेकिन हाँ, जिस तरह से लोग ने इस पर्टिकुलर मूवी का ट्रीटमेंट किया है वो किसी राजकुमार ईरानी की मूवी से कम नहीं लग रहा है। ओवरऑल तो मैं इतना कह सकता हूँ कि यस, अगर आप लोगों ने फॉरेस्ट गंप मूवी देखी है जैसे कि मैंने देखा, तो कहीं ना कहीं आपको डिसअपॉइंटमेंट होती है, लेकिन होप फॉर द बेस्ट। अगर ये मूवी अच्छी निकलती है तो बॉलीवुड बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कमबैक करेगा, लेकिन अगर ये मूवी फ्लॉप होती है तो बहुत ही बहुत 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 बड़ा सदमा पड़ेगा, क्योंकि आज की तारीख में आमिर, अक्षय, ऋतिक, सलमान, शाहरुख यही लोग हैं जिसकी वजह से बॉलीवुड बचा हुआ है, वरना बॉलीवुड की कोई भी मूवी नहीं चल रही है। और प्रीवियसली अक्षय कुमार और इनकी जितनी भी मूवीज है, अजय देवगन, ये सबकी मूवीज फ्लॉप हुई है। तो अब देखते हैं आमिर खान की अगस्त 11 में लाल सिंह चड्ढा कितनी पसंद आती है, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये ट्रेलर कैसा लगा और आप लोग सपोर्ट करते हो या नहीं करते हो, और आप इस पर्टिकुलर मूवी को बॉयकॉट क्यों करना चाहते हो, इसका भी एक वैलिड रीजन दो। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।